बराबर एक्स प्लस वाई एम प्लस एन। अब देखो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अब कलम कर देंगे। देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब बोथ साइड लिख देना है। तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अब कलम करेंगे तो डी बटे डी एक्स से क्या करेंगे गुना एक्स पावर क्या होगा वाई पावर एन। ये डी ये देखिए ये U के फॉर्मूला पर आ गया, ये V के फॉर्मूला पर आ गया। तो चलिए पहले इस काम करते हैं डिफरेंशियल, तो क्या होगा m इंटू एक्स पावर m माइनस वन। अब की बार ये तो स्थिर रहेगा y पावर क्या हो गया m। अब देखो U भी वाला में क्या आता है बीच में प्लस की माइनस प्लस प्लस आता है प्लस हो गया। अब ये स्थिर रहेगा यहाँ पर x पावर m लिख देना है इनका होगा। अब डिफरेंशिएट देखिए इनका पावर क्या है n है ना, n से गुना होगा पावर एक क्या होगा घट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा dy by dx बराबर। अब देखो इसका पावर क्या है m प्लस n हो गया ना, पावर क्या होता है गुना होता है। अब पावर में से एक क्या होगा एम प्लस एन माइनस वन। अब देखो ये इसका डिफरेंशिएट एक्स का क्या होगा एक होगा और वाई का क्या होगा डिफरेंशिएट डी वाई बाय डी एक्स हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है क्योंकि ये कोष्ठ के रूप में बंद है तो बारी बारी से क्या करो गुना करो, बारी बारी से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। कीजिए गुना देखो माइनस वन है ना, ये जो माइनस वन है तो इसका अर्थ क्या हो गया क्या भागा हो जाएगा एक्स प्लस वाई से क्या हो जाएगा इसमें भागा हो जाएगा। तो इसको जो हम वन से गुना कर दिए हैं। अब ये देखो बीच में क्या है प्लस है ना, तो यहाँ पर देंगे हम प्लस फिर एम प्लस एन x प्लस वाई एम प्लस एन बटे x प्लस वाई और यहाँ पर क्या होगा dy वाई बाय डी एक्स। तो dy वाई बाय क्या होगा dx एक्स कॉमन ले ही लेते हैं क्योंकि इस मान को उठा के इस साइड लाते हैं ये तो रहेगा ही मां क्योंकि dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो यही ना बचेगा x को पावर क्या होगा m। अब देखो n को हम पहले गुना कर देते हैं, n को हम क्या करते हैं ये जो n है ना इनको यहाँ पर पहले गुना कर दिए ये x पावर m है ना तो उसके बाद देखो y को पावर n माइनस वन हो गया। इस मान को हम इस साइड ले आते हैं तो देखो तो ये m प्लस क्या हो गया एन एक्स प्लस वाई। उसके बाद देखो ये मान के बदले जो है हिसाब में देखो तो क्या है इस मान के एक्स प्लस वाई होल पावर एम प्लस एन के बदले क्या मान प्लस वाई सॉरी एक्स पावर एम इंटू पावर एन। तो एक्स पावर एम इंटू पावर वाई पावर एन लगाया बटे क्या होगा एक्स प्लस वाई। उसके बाद देखो ये m प्लस
एन हो गया ना, इसके बदले में हम क्या रख सकते हैं? वही चीज एक्स पावर एम वाई पावर एन। अब बटे क्या होगा, एक्स प्लस वाई। यही मान को जो है ना, इस मान को क्या करेगा, इधर लाएगा, तो क्या होगा एम इंटू माइनस वन वाई पर पावर एन। एक चीज देखो, दोनों तरफ हम किससे भाग दे सकते हैं, किससे भाग दे सकते हैं, एक्स पावर एम वाई पावर एन से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। दीजिए जिसमें हम भाग देते हैं, काटो तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये खत्म हो गया। इसमें देखो dy/dx एन इंटू, देखो ये वाई पावर क्या होगा एन, और गुना क्या होगा वाई पावर माइनस, गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। देखो वाई वाई आधार समान है, एन माइनस ये जो है एन और माइनस वन आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, तो एन माइनस क्या होगा वन। जुटने का मतलब ये मत समझ जाना ये जोर में होना चाहिए, जोड़े में नहीं करेगा जी, प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा। इनको जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलो इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सही उदाहरण समझ लिखिए किधर, सही भाग किससे भी है, एक्स पावर एम और वाई पावर एन से दोनों तरफ समान। फिर हाँ दोनों तरफ देखो, देगा तो दोनों तरफ में देगा। जैसे मान के चलो कि हम लिख दिए कि चार बराबर बारह, चार बराबर बारह, तो चार में क्या गुणा करेगा, तीन करेगा ना। अब मान आप देखो, हाँ एक चीज पूछ सकता है कि एक्स पावर एम और वाई पावर एन से ही भाग क्यों, इनसे ही भाग क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स पावर एम है और वाई पावर एन है, क्योंकि भाग देंगे तो ईमान खत्म हो जाएगा, इसलिए इसी संख्या से भाग दिए। और दिक्कत है नहीं, चलिए अब इनको वाई पावर एन माइनस वन है, इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दिक्कत ही है। ये नीचे में क्या है वाई पावर एन, ये क्या है माइनस है एम प्लस एन, एक्स प्लस क्या होगा वाई बराबर दो, एम प्लस क्या हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्या हो गया वाई। यहाँ पर देखो ये m है, अब x पावर m माइनस वन है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर m इंटू x पावर माइनस वन बटे x पावर क्या होगा m, ये और ये मान क्या हो गया कट गया, ये और ये क्या हो गया कट न गया, पांच नंबर में सवाल पूछेगा, अगर पूछेगा
VBI कर ही लो, 18 में पूछा गया है ना, 20 में आएगा। मैं तोरा लिए कौन कौन सवाल आवे देखो ये लड़का एकदम कितना एकदम निगेटिव सोच लिया है, सोच रहा है कि मेरा एकदम इंसल्ट कर रहा है, कितना इनका बड़ा थी बड़ा हम बड़ाई किए समझ ले नहीं करता। देखो यही होता है निगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग, ये निगेटिव थिंकिंग में चला गया लड़का। देखिए पावर माइनस एक है निगेटिव पावर, तो अंश में ही रहेगा कि और में जाएगा निगेटिव हटाने के लिए, बटा में नहीं आएगा जी, बटा में एन बटा क्या हो गया माइनस एम प्लस एन आप देखो अब क्या करेगा, आप लोगों से हम पूछते हैं इनको पुराने के लिए, अब आप लोग क्या कर सकते हो, इनका घटो निकालेगा जी सर, क्या करोगे? चलो वाई इनटू क्या होगा एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा प्लस एन वाई होगा। अब देखो ये और ये कट गया, मान पकड़ लिया ना सर। उसके बाद देखो डी वाई बाय डी एक्स, अभी बराबर नहीं करना। अच्छा अब बता दिया एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई बटे वाई, इधर भी एन एक्स माइनस क्या हो गया एम वाई बटे एक्स, ये मान ईमान सेम है, ऊपर ऊपर कट जाता है, कट गया ना, ये इधर भागा में है, इधर क्या होगा यानी हॉर में तो किस में जाएगा अंश में, तो डी वाई बाय डी एक्स, ये वाई बटे क्या हो गया एक्स, इनका अगर प्रूफ करना था तो यहाँ पर लिख दो प्रूफ एक्स पावर, देखो ऐसे पावर ऐसे इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, ये दो दो टू इनफिनाइट ऐसे बढ़ते चला गया, समझ गया ना। अब एक्स का कोई लिमिटेशन है, एक्स का कोई लिमिटेशन है तो क्या एक्स पावर हम वाई नहीं रख सकते हैं, इनफिनाइट है तो मान कमने वाला है, इनफिनाइट में से एगो मान निकालिए देगा, फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ से ऊपर हम वाई नहीं मान सकते हैं, यहीं से ऊपर वाई नहीं मान सकते हैं, यहीं से ऊपर हम वाई नहीं मान सकते हैं, तो तुम तो यहाँ पर भी वाई रख सकता है, ये यहाँ पर भी रख सकता है वाई, क्योंकि ये सभी y के ही मान होंगे, यहाँ पर भी रख सकता है, तो करना क्या है ऐसा कार्य करो जिससे आपका सोल्यूशन हो जाए, आपका जो समस्या है उनका सोल्यूशन हो जाए, ऐसा काम करना। तो हम यहाँ से जो है ना ऊपर वाले मान को y मान लेते हैं, मान लिए, अब इसमें log लगाना होगा, क्या करना होगा log लगाना होगा, लगाइए log, ये लिखना क्या है टेकिंग, हिंदी में लिखेगा तो दोनों तरफ लघु गणक लेने पर, इंग्लिश में क्या लिखेगा टेकिंग लॉगरिदम, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड्स, ये लॉग वाई हो गया, इनको समीकरण एक मान लो, लॉग एक्स पावर क्या हो गया वाई, पावर लॉग में क्या होता है बोलो, लॉग में पावर क्या होता है, देखो वाई लॉग क्या हो गया एक्स
अब क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो log y का क्या होगा बोलो तो जैसे log x का 1 by x होता है तो log y का क्या होगा 1 by y और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो dy by dx अब ये u हो गया ये क्या हो गया ये u और ये क्या हो गया तो y का डिफरेंशिएट करते हैं क्या होगा dy by dx लोग एक्स क्या रहेगा आपकी बात स्थिर न रहेगा अब कौन स्थिर रहेगा अब कौन स्थिर रहेगा लोग एक्स अब जो है वाई का हो चुका है अब वाई स्थिर रहेगा जिसका हो गया वो स्थिर रहेगा जी अब एक्स का किसका डिफरेंशिएट होगा लोग एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स होता है चलिए अब आपको करना क्या है dy by dx यहाँ पर भी आ गया यहाँ पर भी आ गया तो एक ही को ना dy by dx रहना चाहिए जी दोनों जगह है तो मामला अभी हल नहीं हुआ यानी समान जाति को क्या करेगा एक तरफ लाएगा ये 1 बटे y dy by dx माइनस log x dy by dx y बटे x dy by dx ऐसे ले लो कॉमन 1 बटे y माइनस क्या हो गया log x नहीं कुछ तो भिन्न का घटो निकाल सकता है भिन्न का घटो किसको किसको भिन्न का घटो आता है किसको घटो आता है किसको नहीं आता है बोल दो देखो सतिया जी की बोल दो सतिया गया सतिया गया ये जो है यहाँ पर हर में है यहाँ इधर आएगा क्या होगा देखिए सोचना है y स्क्वायर x इंटू वन माइनस वाई लोग एगो निकाल देती हो एगो घट में देती हो मान का चलो कि एक किलो दूध छे कोई में से पाव घट निकाल दो तीन पवा बचते है ना तो ये जब एगो पात्र में से तम ने एकदम क्या लो जो समुद्र में जेबो एक बूंद पानी निकाल दबो समझ रहो इन पीना है समुद्र देखो ये तो आ रख सके छो लेकिन वो लाभ नहीं ये तो वह लाभ के लिए समझ रहो अगर रख दलो तो बहुत प्रोसेस है चलिए यहाँ से इधर को हम क्या किए y मान के y रख दिए ये y है ये है मानेगा क्या y है ये है y रख दिए दोनों तरफ log लगा दिए सेम प्रोसेस दोनों तरफ करेगा ना तो log y इधर भी लगाएगा log x पावर y पावर गुना हो गया ये u और v के फॉर्मूला पर आ गया u v का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका फॉर्मूला ही है कोस इनवर्स एक्स का कर है अब कलर किए क्या होगा क्या होगा माइनस वन बटे रूट अंडर वन का जो था उसमें माइनस जिसमें शुरू में सी रहे उसमें क्या होगा एस ट्रिक है ना सर जिसमें कोस सी लगा रहे हैं देखो ट्रिक लिखा है ना फर्स्ट लेटर सी हो नेगेटिव लग जाएगा उसके बाद देखो क्या 16
देखो एक चीज देख रहा है अभी तक जो बना रहे हो क्या चीज रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना साइन है तो कोस है टेन तीन ही चीज में सिमट गया है साइन कोस टेन अब जिस ये किस ऑप्शन में है बोलो तो ये आपको सी में है सी में अब अगला जो है इनका सातवां ऑब्जेक्टिव ये डी बटा डी एक्स हो गया टेन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स अब बोलो इसका तो जीरो पाई बाय टू होता है क्या होगा अमर जीरो होगा तो कितना बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन एको साल है कि छूट रहा है किस ऑप्शन में है जी मैंने है जी।